बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल बेसिकली है क्या? प्रोकैरियोट इट्स मींस के न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोट्स आफ्टर ऑफ न्यूक्लियस ऑर्गेनिजम्स, राइट। प्रो मीन्स बिफोर होता है और यू का मतलब होता है आफ्टर। कैरियोन लफज, सॉरी कैरियोटिक लफज कैरियोन से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट। देखिए सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल क्या है। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम न्यूक्लियस की बात करें स्टार्टिंग पे, तो हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसमें वाजिया प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, राइट। और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर है इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मसलन कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। साइज की बात करें ये तकरीबन 10 टाइम लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल से। तीन फर्क, राइट। नंबर 4, सेल वॉल की अगर बात करें, सेल वॉल, तो सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, राइट। भाई सेलुलोज की बात इसलिए करते हैं क्योंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है और जो फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटन की बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इसकी जो सेल वॉल है प्लांट में सेलुलोज की है और फंजाई के अंदर काइटन की बनी हुई है। राइबोसोम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें लार्ज साइज राइबोसोम मौजूद होता है, ATS, ठीक है जी। तो यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें लार्ज राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें न्यूक्लियस की, तो हम कहेंगे कि डू नॉट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसमें वाज़ह न्यूक्लियस नहीं होता। तो हम कहते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसके अंदर DNA जो है वो बाकायदा बंद है, ठीक है ना, और क्रोमोसोम्स का मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर बंद है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर DNA और RNA का जो मटेरियल होता है वो सारा फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑर्गेनेल्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल्स जो है आर एब्सेंट, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया मैंने यहाँ पे बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट है इसमें। सेल वॉल, तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन, यू नो के पेप्टाइडो यानी इसमें अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड्स, राइट। ग्लाइकेन इसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के कॉम्प्लेक्स का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। तो इसके अलावा सेल वॉल का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, एक ह्यूज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है प्रोकैरियोट में जिसका नाम है सेकुलस, इसको हम कहते हैं सेकुलस। तो राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट के जो है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत स्मॉल है, 70S स्मॉल साइज राइबोसोम, 70S एस जो है ना वो पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि स्वेडबर्ग के नाम से यूनिट्स है। ये मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम बनाई है, एक बैक्टीरिया को शो किया हुआ है, तो बैक्टीरिया में आपको नजर आ रहा है कि ये फैला हुआ इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है DNA है जो कि बंद नहीं है किसी चीज़ के अंदर, और ये वाइट सा सारा साइटोप्लाज्म है, जबकि ये इसके ऊपर उभरे हुए जो स्ट्रक्चर है इसको पिली का नाम दिया हुआ है। ये हम आगे चैप्टर में जाके पढ़ेंगे पिली क्या है, ये बैक्टीरिया के मेटिंग के लिए हेल्प करते हैं पिली। राइबोसोम, स्मॉल राइबोसोम इसके अंदर फैले हुए हैं, राइट। इसके ऊपर धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, कहते हैं फ्लैजेला, राइट। और कवरिंग होती है इसके अंदर पहली जिसका नाम है कैप्सूल, कैप्सूल के बाद क्या है अंदर सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद क्या है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो अगर आप स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। अल्लाह।